ये तस्वीर महाराष्ट्र के नवी मुंबई की है। वहाँ एक बकरा लाया जाता है। बकरे की पीठ पर राम लिखा होता है। पीले रंग से लिखे भगवान राम का नाम देखकर कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं। पहले बजरंग दल के लोग वहां पहुंचते हैं और कुर्बानी वाले बकरे को रोकने की मांग करने लगते हैं। लेकिन जो बकरे को लेकर पहुंचा था वो नहीं मानता। मामला पुलिस तक पहुंचता है। मौके पर पहुंची पुलिस दुकान को सील करती है, तब जाकर मामला शांत होता है और उसके बाद जो पता चलता है वो दंग कर देने वाला था। जानकारी मिली कि कुर्बानी के लिए दुकान पर 22 बकरे लाए गए थे, उन्हीं में से एक बकरे पर राम लिखा हुआ था। फिर पुलिस ने दुकान मालिक सहित कुछ 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, मोहम्मद शफी शेख, साजिद शफी शेख और कुयाम। इन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और धारा 34 के तहत और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। बजरंग दल ने मुंबई के CVD बेलापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले मुंबई के मीरा रोड इलाके में बकरे को लेकर हंगामा खड़ा हुआ था। तब सोसाइटी में कुछ लोगों ने बकरा लाने पर बैन कर दिया था। एक भाई साहब तो कार में रखकर बकरे को ले जा रहे थे, लेकिन लोगों की नजरों से बच नहीं पाए। हालांकि कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बकरीद का त्योहार तो फिर बकरे पर बैन क्यों है? और ये सवाल पूछने वाले वही लोग हैं जिन्हें होली दिवाली पर छोड़े जाने वाले पटाखे से दिक्कत होती है, उससे पर्यावरण प्रदूषित होता दिखता है, लेकिन मैच या किसी जश्न के पटाखे से उन्हें पीड़ा नहीं होती। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं।